वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंसेज। हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंसेज। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक शुरू करूं, मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आपको ये वीडियोस जल्द से जल्द मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंसेज। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है। तो हमने क्या करना है, हमने डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को खड़ा करना है, हमने डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को खड़ा करना है। उसके बाद जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ जाएंगी, जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ जाएगी, फिर हमने क्या करना है, उन लाइट रेज को कन्वेक्स लेंस के थ्रू पास करना है। जब हम डिफरेंट पोजिशन पे ऑब्जेक्ट को खड़ा करेंगे तो उसी हिसाब से हमने देखना है जो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन जाएगी वो किस किस पोजीशन पे कहां बन जाएगी, उस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, उस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। तो कल हमने रूल्स के बारे में बताया था, लास्ट पे जो टॉपिक मैंने खत्म किया था रूल्स के बारे में। तो उन रूल्स के हिसाब से ही हम रे डायग्राम्स ड्रा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली रे डायग्राम जो है, तो इसमें क्या करना, हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखना है। इंफिनिटी का मतलब है दूर। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को दूर रखते हैं, तो जहां जब उससे लाइट रेज आ जाएंगी, तो वो पैरेलल आ जाएंगे। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ठीक है, ये यहां पे ये ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे खड़ा किया है, ये एक पैरेलल रे, ये दूसरी पैरेलल रे, ठीक है। तो ये एक दूसरे को पैरेलल है, तो जो पैरेलल रेज जब आ जाएंगी किस ऑब्जेक्ट से, जब वो कन्वेक्स लेंस के थ्रू पास हो जाएंगी, वो किसी एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगे, तो उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, ये जो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, मैं दूसरा तरीका यहाँ पे दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो मैं नीचे बनाता हूं, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1 ट्वाइस F1, यहां पे F2, यहां पे ट्वाइस F2। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये जो दो लाइट रेज है ये आपस में पैरेलल है, तो जब ये कन्वर्ज हो जाएंगी, ये एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी, ठीक है, उसको हम फोकस कहते हैं। लेकिन जो दूसरी डायग्राम में बनाऊंगा वो मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगा, मैं एक लाइट रे यहां से पैरेलल डाल दूंगा, ठीक है, ये होगी एक लाइट रे ऊपर से, नीचे से एक लाइट रे, ठीक है। जब यहां से ये कन्वर्ज हो जाएंगे तो ये यहां पे इस पॉइंट पे ही मीट हो जाएंगे, तो ये कहां पे मीट हो गई, F2 पे, कहां पे, F2 पे, यानी ये प्रिंसिपल डायरेक्टली प्रिंसिपल फोकस पे ये फोकस हो गई, डायरेक्टली प्रिंसिपल फोकस पे मीट हो गई। तो हम कह सकते हैं कि इमेज जो है, मैंने आपको पहले भी बताया, हमें कैसे पता चलता है कि इमेज कहां पे बन जाती है, हमें इस बात से पता चलता है कि जहां पे जो रिफ्रैक्टेड रेज होंगे, जहां पे वो मीट हो जाएंगे, वहां से हमें पता चलेगा उस पॉइंट पे इमेज बन गई। दोनों डायग्राम्स आप देख लीजिए, यहां पे इस पॉइंट पे ए, यहां पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, और यहां पे इस पॉइंट पे, तो ये लाइट रेज ये इस पॉइंट पे मीट हो गई, ये लाइट रे इस पॉइंट पे मीट हो गई, यानी मतलब ये कि फोकस पे ही इमेज बन जाएगी, कहां पे, फोकस पे ही इमेज बन जाएगी। चाहे आप लाइट रेज पैरेलल डाल दो प्रिंसिपल एक्सिस को, या चाहे आप लाइट रेज पैरेलल डाल दो एक दूसरे को, तो जो इमेज बन जाएगी वो फोकस पे ही बन जाएगी, ठीक है। अब इस जो ये पहली रे डायग्राम है, अब जो इमेज बन गई तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां पे देख सकते हो, पोजीशन, जो पोजीशन होगी एट F2, दोनों डायग्राम में आप देख लीजिए, यहां पे जो
जो ये ए डैश बी डैश है ये एफ टू पे बन गई, कहाँ पे, एफ टू। अब जो मैंने डायग्राम बनाई है यहाँ पे, जो मैंने पेन से बनाई, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये दोनों लाइन्स भी एफ टू पे ही मीट हो गई। तो इमेज दोनों डायग्राम्स में कहाँ पे बन गई, फोकस पे, यानी एफ टू पे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, नेचर क्या होगी, यानी ये रियल होगी या वर्चुअल होगी। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, जो ये रिफ्रैक्टेड रेज है ये डायरेक्टली ओरिजिनल रिफ्रैक्टेड रेज है, तो हम कह सकते हैं कि ये रियल इमेज है, ये रियल इमेज है। और इनवर्टेड, इनवर्टेड का मतलब है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो मीट हो गई, तो इसका मतलब इमेज इनवर्टेड हो गई, ठीक है। साइज क्या होगा, साइज इसका पॉइंट साइज होगा, यानी बहुत छोटा होगा, हाईली डिमिनिशेड यहां पे आप देख सकते हो। तो ये था पहला रीडायग्राम जिसमें हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे खड़ा किया और दो लाइट रेज डाल दी। जब वो रिफ्रैक्ट हो गई तो वो कहां पे मीट हो गई, फोकस पे मीट हो गई। तो हमारा ये पहला केस खत्म हुआ। अब दूसरा केस जो है, दूसरा केस आप देख लीजिए, अगर हमने ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है, ट्वाइस एफ वन। आप इस डायग्राम को अच्छी तरह से देख सकते हो, ये डायग्राम है, यहां पे सी पॉइंट पे ऑप्टिकल सेंटर, यहां एफ वन मैंने लिखा है, यहां ट्वाइस एफ टू है, यहां पे ऑब्जेक्ट ए बी हमने खड़ा किया, कहां पे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड ट्वाइस एफ वन, यानी ट्वाइस एफ वन, यहाँ पे एफ वन इतनी डिस्टेंस, यहाँ पे ये हो गया ट्वाइस एफ वन, इसके पीछे हमने ऑब्जेक्ट को खड़ा किया, कौन, क्या नाम है, ए बी ऑब्जेक्ट हमने खड़ा किया। अब रूल के हिसाब से अगर लाइट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस को, जो लाइट रे, जो हमने पहले लाइट रे, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो पहले लाइट रे है ये पैरेलल है किसको, प्रिंसिपल एक्सिस के, नीचे प्रिंसिपल एक्सिस है। जब ये यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाएगी तो ये यहाँ इस पॉइंट पे आ जाएगी, ये यहाँ पे, यहाँ ए डैश बी डैश जो है इस पॉइंट पे। और दूसरी लाइट है ये हमने ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास किया, किसके थ्रू, ऑप्टिकल, जो हमने कल रूल पढ़ा था, रूल के हिसाब से जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास हो जाती है वो विदाउट एनी डिविएशन पास हो जाती है। आप यहाँ पे भी डायग्राम में देख सकते हो, ये विदाउट डिविएशन, ये लाइट रे विदाउट एनी डिविएशन यहाँ पे, यहाँ से जा रही है, ठीक है। तो ऊपर वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल थी वो रे भी यहीं से, तो ये दोनों रेज यहाँ पे मीट हो गई, ये दोनों रेज यहाँ पे मीट हो गई, तो ये डायग्राम यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब इसकी प्रॉपर्टी, जो ये इमेज बन गई, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट जो है, पोजीशन कहां पे बन गई है इमेज, बिटवीन एफ टू एंड ट्वाइस एफ टू, यहां पे एफ टू आप देख सकते हो, यहां पे ट्वाइस एफ टू, एफ टू ट्वाइस एफ टू, तो जो ये इमेज बन गई ए डैश बी डैश ये ट्वाइस एफ टू पे बन गई, कहां पे, ट्वाइस एफ टू। नेचर क्या होगा, रियल साइड, यानी रियल रियलिटी, जो रिफ्रैक्टेड रे जो थी, जो ओरिजिनल रिफ्रैक्टेड रे वही मीट हो गई, तो इसका मतलब इमेज रियल बन गई, इसका मतलब ये रियल बन गई। और तीसरा चीज, ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो इमेज बन गई, तो ये इन्वर्टेड हो गई, ठीक है। साइज क्या है, डिमिनिशड, अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट साइज देख सकते हो, तो जो इमेज साइज है दैट इज कंपेयर करोगे ऑब्जेक्ट साइज से तो वो छोटी होगी, वो डिमिनिश होगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। ये हो गया दूसरा केस। उसके बाद जो तीसरा केस है, जो तीसरा केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एफ वन, अगर हम ऑब्जेक्ट को एफ ट्वाइस एफ वन पे डायरेक्टली खड़ा करेंगे, जो एक एफ वन हम डिनोट करते हैं, उसके बाद ट्वाइस एफ वन डिनोट करते हैं, और दूसरे साइड में हम एफ टू डिवाइड कर डिनोट करते हैं और ट्वाइस एफ टू डिनोट करते हैं, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, ट्वाइस एफ वन पे। ये देखिए ऑब्जेक्ट एफ वन पे, ए बी, ए बी जो ऑब्जेक्ट है ट्वाइस एफ वन पे हमने खड़ा किया, ये वाला ट्वाइस एफ वन। अब ये जो रीडायग्राम है, रूल के हिसाब से एक लाइट रे पैरेलल हमने डाली, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास की, जो पैरेलल वाली लाइट रे होगी तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, यहाँ से आ गई, ठीक है, फोकस के थ्रू वापस आ जाती है, क्योंकि जो पैरेलल होगी वो फोकस के थ्रू वापस आ जाएगी, जो रूल्स हमने पढ़े थे। और दूसरी लाइट रे जो होगी दैट इज जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास होगी उसको वो विदाउट एनी डिविएशन पास हो जाएगी, तो जब हम आगे देखते हैं तो ये मीट पे होगी इस पॉइंट पे, ठीक है, तो इमेज भी यहीं पे बन गई। तो इसका मतलब है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज जो है दैट इज ट्वाइस एफ टू, कहां पे, ट्वाइस एफ टू पे इमेज बन जाएगी जब हम ऑब्जेक्ट को ट्वाइस एफ वन पे खड़ा करेंगे, कहां पे, ट्वाइस एफ वन पे अगर हम ऑब्जेक्ट को खड़ा करेंगे, जो इमेज होगी दैट विल बी फॉर्मड एट ट्वाइस एफ
टू। अब दूसरा पॉइंट जो है दैट इज नेचर। नेचर क्या है? रिफ्रैक्टिव रेज जो थी वो ओरिजिनल थी, वो ओरिजिनल रिफ्रैक्टिव रेज थी, तो इमेज जो है दैट इज ऑल्सो रियल इमेज। और तीसरा पॉइंट इन्वर्टेड, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो ये रिफ्रैक्टिव रेज मीट हो गई तो इमेज बन गई इन्वर्टेड। और तीसरा पॉइंट सेम साइज, यानी जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतनी ही साइज इमेज का भी बन जाएगा जब ये रिफ्रैक्ट हो जाए, होके मीट हो जाएंगे। ठीक है, ये होगा तीसरा केस। और चौथा केस है अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां पे खड़ा करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ वन एंड ट्वाइस एफ वन, यानी जितने भी पॉइंट्स हम, जब ये रे डायग्राम आप देख रहे हो, जो यहां पे ये रे डायग्राम आप देख रहे हो, जितने भी पॉइंट्स है इसमें हम ऑप्टिकल सेंटर डिनोट करते हैं, एफ वन डिनोट करते हैं, ट्वाइस एफ वन डिनोट करते हैं, एफ टू डिनोट करते हैं, ट्वाइस एफ टू। अब यहां पे जो तीसरा चौथा केस है इसमें हमने ऑब्जेक्ट को किस पोजिशन पे रखना है, ट्वाइस एफ वन एंड एफ वन। ठीक है, यहाँ पे एफ वन, ये एफ वन है, ये ट्वाइस एफ वन है, ये इसके बीच में हमने ए बी ऑब्जेक्ट खड़ा किया, ये वाला ऑब्जेक्ट, इसके बीच में ए बी हमने ऑब्जेक्ट खड़ा किया। और जो रे डायग्राम है रूल के हिसाब से एक लाइट रे पैरेलल हमने डाल ली प्रिंसिपल एक्सिस को, तो वो फोकस के थ्रू एफ टू के थ्रू वह पास हो जाएगी। यहाँ पे ये एफ टू है, ये ट्वाइस एफ टू है, एफ टू के थ्रू पास हो जाएगी। और जो दूसरी लाइट है दैट इज थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, वो सीधे पास हो जाएगी, उसमें कोई डिविएशन नहीं आ जाएगी, तो ये मीट इस पॉइंट पे हो गई। ठीक है, तो इमेज जो बन गई दैट इज बियॉन्ड ट्वाइस एफ टू, कहाँ पे Beyond twice f2। तो पहला पॉइंट है beyond twice f2, इसका नेचर क्या होगा, रियल, रियल साइड में, यानी रियलिटी में ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये ओरिजिनल रिफ्रैक्टेड रे है, यही मीट होगी, तो इसका मतलब इमेज रियल होगी। और तीसरा इनवर्टेड, जो लाइनस जो रिफ्रैक्टेड रेज मीट होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो मीट होगी, दैट शोज कि ये इमेज जो है दैट इज इनवर्टेड। और चौथा पॉइंट ये साइज क्या होगा, इनलार्ज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइज, जो इमेज की साइज बन जाएगी वो बड़ी बन जाएगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइज। ये हो गई चौथा केस, दैट मीन्स कि अगर हमने ऑब्जेक्ट एफ वन और ट्वाइस एफ वन के दरमियान हम ऑब्जेक्ट को खड़ा करेंगे तो इमेज कहां पे बन जाएगी, बियॉन्ड ट्वाइस एफ टू, एफ टू के पीछे बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया चौथा केस। और उसके बाद पांचवा केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एफ वन एट एफ वन, अगर हमने सीधे ऑब्जेक्ट को एफ वन पे ही खड़ा करेंगे, अगर हम ऑब्जेक्ट को एफ वन पे खड़ा करेंगे तो वो इमेज कहाँ पे बन जाएगी। ये आसान है, इसमें आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको रे डायग्राम बनाना आ जाए, ताकि रे डायग्राम बनाने, बाकी जो इमेज फिर कहाँ पे मीट होगी उसकी प्रॉपर्टीज वो आप इजिली लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है कि एक लाइट रे पैरेलल हमने डाली, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू हमने पास की, जो पैरेलल वाली लाइट रे है वो फोकस के थ्रू पास हो जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू हमने लाइट रे पास की तो वो सीधे ही चली जाएगी। यहां पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये डायग्राम, ठीक है, तो ये पैरेलल, ये ऑप्टिकल सेंटर के, तो ये सीधे जब यहां से वापस हो जाएगी, ये कहीं पे मीट नहीं हुई, ये कहीं पे मीट नहीं, इसका मतलब ये इंफिनिटी पे मीट हो जाएंगे, कहां पे, इंफिनिटी पे मीट हो जाएंगे। तो जो प्रॉपर्टीज होंगी, पोजीशन एट इंफिनिटी, पोजीशन एट इंफिनिटी, जो नेचर होगा दैट इज रियल एंड इनवर्टेड, क्योंकि ये रियलिटी जो ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है ये रियलिटी में पास होगी, तो ये इमेज भी बन जाएगी रियल इमेज। और क्योंकि ये जो लाइट रेज है इनवर्टेड बन जाएगी, क्या बन जाएगी, इनवर्टेड बन जाएगी। और जो साइज है दैट इज हाईली एनलार्जर्ड, क्योंकि ये इंफिनिटी पे मीट हो जाएंगी, जो साइज होगी दैट विल बी हाईली एनलार्जर्ड, इस डायग्राम में आप देख सकते हो। ठीक है, जो छठा केस है अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां पे, किस पोजीशन पे खड़ा करेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ वन एंड ऑप्टिकल सेंटर, अगर हम ऑब्जेक्ट को एफ वन और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में खड़ा करेंगे, एफ वन और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में खड़ा करेंगे, ये देखिए ए बी, ए बी कहाँ, किस पोजीशन पे हमने खड़ा किया, एफ वन और ऑप्टिकल सेंटर, ये सी पॉइंट पे जो है दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट को खड़ा किया। तो जैसे हम रेज डालते हैं, एक लाइट रे हमने पैरेलल डाल दी, एक लाइट रे हमने पैरेलल डाल दी, किसको पैरेलल डाल दी, प्रिंसिपल एक्सिस को, दूसरी लाइट रे है दैट इज वो हमने किस में, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास की, तो ये जो है ये भी कहीं पर मीट नहीं हुई है, इस रियल साइड में ये कहीं पे मीट नहीं हुए, लेकिन चूंकि ये पैरेलल नहीं निकले,
ये जो रिफ्रैक्टेड रेज जब पास होगी अम द्राय पैरेलल कह मगर अस बस किस पे अम वो बिग साइड अम बासन अस अम हा जन आम ए पॉइंट पे आम कम पॉइंट पे ए पॉइंट पे यानी जन आम यम पॉइंट पे आम मीट ग आम गो तमें मतलब गो इस पोजिशन चे पोजिशन कतनस बने ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट यम साइड अस ऑब्जेक्ट थो तमे साइड बने ये इमेज तमी साइड बने ये इमेज मगर ब्या चीज ये इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज दिस इमेज विल बी वर्चुअल आप यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हो जो ओरिजिनल रिफ्रैक्टेड रेज जो थी वो इस साइड में एफ टू साइड में पास हो गई तो वो कहीं पे उस साइड में कहीं पे मीट नहीं हो गई तो वहाँ रियल इमेज तो हो ही नहीं सकती है लेकिन हमें लगेगा कि ये यहाँ से मीट होके आ गई है ठीक है तो इसका मतलब है जो ओरिजिनल रिफ्रैक्टेड रेज कहीं पे मीट नहीं हुए हमें दूसरी साइड से लगेगा तो दैट मीन्स दैट इमेज विल बी वर्चुअल इमेज दैट इमेज विल बी वर्चुअल इमेज और जो लास्ट पॉइंट इसमें है दैट इज साइज विल बी एनलार्ज्ड साइज विल बी एनलार्ज्ड और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट that this image will be erect. Erect का मतलब है मैंने फिर एक बार फिर आपको बताया कि ये इमेज आज प्रिंसिपल एक्सिस हेरमी साइड बनामस किम साइड आज हेरमी साइड बन अवे वन आत इस ये इमेज हसे इरेक्ट तो ये तो थे छह केसेस इसमें आपको सिंपल सा इतना ही याद रखना है कि अगर आपको अगर तक री डायग्राम तक बनावे अगर तक री डायग्राम तक बनावे तो ही इमेज प्रॉपर्टी इजीली लिखित तो मुझे लगता है कि आपको ये आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव ए गुड डे